आज बात करते हैं भ्रमण पर, यानी घूमने पर। राहुल सांकृत्यायन जी की जो यात्राएं हैं, चाहे तिब्बत यात्रा हो, चाहे देश के विभिन्न भागों में रहना हो, उन्हें सबसे ज़्यादा घूमने का शौक था, घुमक्कड़ थे वो। और वास्तव में जीवन में पुस्तकीय ज्ञान से बहुत कम सीखा जाता है, यात्राओं से, नई नई जगह देखने से, नए स्थानों को देखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह किताबी ज्ञान से बहुत बेहतर है। दूसरा, घूमने के लिए सभी लोग कहते हैं कि तब घूमेंगे जब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, यानी बुढ़ापे में। नौकरी पेशा वर्ग तो कहता है कि हम तो 60 साल के बाद घूमेंगे जब सेवा से भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बस पर चढ़ने में दिक्कत होगी, रेलगाड़ी में सीट ढूंढने में दिक्कत होगी, हवाई जहाज़ में बैठने में दिक्कत होगी, पैदल चलने में दिक्कत होगी, कुछ खाने पीने का मन करेगा लेकिन पाचन शक्ति नहीं रहेगी, तो तब घूम करके क्या लाभ। जब ये आँखें कम देखना शुरू कर देंगी, कैसे प्रकृति का, ऐतिहासिक वस्तुओं का दर्शन कर पाओगे। कान सुनने कम लग जाएंगे, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जब थकावट का समय आएगा तो तब वो घूमने, उस यात्रा का जो उद्देश्य है, जो लाभ है, वो बहुत कम रह जाएगा। इसलिए जब तक जवानी के दिन हैं, जीवन में उत्साह है, उमंग है, जोश है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, दिन भर पसीना बहा सकते हैं, कई घंटों घूम सकते हैं, तो घूमना चाहिए। कोई खाने पीने की वस्तु देखे, मन ललचाए उस पर, तो आप उसे खा सकें, उसका स्वाद ले सकें। लेकिन जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर स्थिति आ जाएगी, तब घूमने का औचित्य, घूमने का उद्देश्य, घूमने का आनंद बहुत कम रह जाता है। इसलिए कहता हूँ, जीवन में घूमो, दुनिया देखो, अपना शहर, अपना गांव, अपना प्रदेश, अपना देश, विदेश तक, जहाँ तक संभव हो, दूर देश तक चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। मिलते हैं फिर किसी दूसरे बिंदु के साथ, दूसरे दिन। तब तक के लिए नमस्कार।